देखिए, हम जिस प्रकार के प्रश्नों की बात कर रहे थे और तीन जो क्लासें मैंने छोटी छोटी आप लोगों को दी हैं और वो काफी इम्पोर्टेंट क्लासें हैं, उनमें से कहीं ना कहीं प्रश्न आपके आरएएस प्री में जरूर बनेगा। क्यों बनेगा? अगर हम पीछे जाकर के देखते हैं तो 2018, 2016, 2013 में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे आज हम यहाँ 2018 में जो प्रश्न आया हुआ है और इस प्रश्न को हमने इन तीन जो क्लासे हमने आरएएस प्री के नाम से परीक्षा दृष्टि करके डाली हैं, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से ही बनाई गई क्लास हैं। काफी इनको निकाला गया है, पेपर को देखा गया है, उसके बाद में आपको इतनी क्लासें इस पर दी हैं। अब किस प्रकार की आ सकती हैं? तो हमने कहा था कि आपका एक टॉपिक दिया होगा महाद्वीपों के उच्चतम पर्वत। तो महाद्वीपों के उच्चतम पर्वत, हालांकि बहुत छोटा वीडियो है, लेकिन उसमें से कहीं ना कहीं एक प्रश्न आसानी से बन जाता है, पूछा जाता है। किसको लेकर के? पर्वत शिखर और पर्वत शिखर के साथ में स्थिति या देश या महाद्वीप। इसका मतलब है कि एक तरफ आपको पर्वत शिखर मिलेंगे तो दूसरी तरफ स्थिति मिल सकती है, देश मिल सकता है और महाद्वीप मिल सकता है। इनके साथ में सूची बना करके आप लोगों को दे दी जाएगी प्रश्न के रूप में और उससे आपको कहा जाएगा सुमेलित कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न 2018 में, 2016 में और 2013 में आया हुआ है, तो उसी को लेकर के मैं चर्चा कर रहा हूं। और ये जो 2018 में प्रश्न आया है, ये आपको उस टॉपिक में महाद्वीपों के उच्चतम जो पर्वत हैं उस टॉपिक में पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको आप देखिएगा। हालांकि इस प्रश्न को हम देख लेते हैं किस प्रकार से प्रश्न को पूछा जाता है, हालांकि आप लोगों को पता भी रहता है, फिर भी हम एक दूसरे के सहयोग के अनुसार बात कर लेते हैं कि यहाँ आया था प्रश्न 2018 में, कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। बस इतनी सी बात यहाँ दी गई है, अब आपको इसमें से देखना है। अब इसमें यहाँ क्या दिया गया? सूची वन क्या है? पर्वत शिखर दे दिया। और सूची दो क्या है? स्थिति या देश, यानी किस देश में किस पर्वत शिखर की स्थिति है। तो नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो यहाँ अगला प्रश्न अगर आए आप करेंगे तो उसमें देखना, यहाँ महाद्वीप लिख दिया जाएगा सिर्फ, तो वहां से पूछ लिया जाता है और पर्वत शिखर आपको दिए जाएंगे, फिर यहाँ दीजिए इसकी स्थिति देश की जगह लिख दिया जाएगा महाद्वीप। अब ये बताना होगा कि ये पर्वत शिखर किस महाद्वीप में है, या ये पर्वत चोटी किस महाद्वीप में है। तो इस प्रकार से प्रश्न बन जाते हैं और पीछे आए हुए हैं उसी को आधार मान करके हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर्वत शिखर यानी सूची फर्स्ट है और ये है सूची सेकंड, जिसमें स्थिति और देश। अब आपको ये बताना है कि ये जो पर्वत शिखर है निम्न में से इसकी स्थिति कहाँ है, किसमें है। तो आप लोगों ने अगर उस टॉपिक को, उस क्लास को अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। एल्ब्रुस जो कि ये चोटी कहाँ है, ये पर्वत शिखर कहाँ है, ये रूस में है। कहाँ है? ये रूस में है, एल्ब्रुस। तो ये आपको एल्ब्रुस जो है ये उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में है किलीमंजारो। ये बहुत बार पूछा जाता है, किलीमंजारो ये तंजानिया में है। कहाँ है? तंजानिया में है। तंजानिया कहाँ है? अफ्रीका में है। ये अफ्रीका में है, महाद्वीप की बात आएगी तो ये अफ्रीका में चला जाएगा, लेकिन किलिमंजारो फिलहाल स्थिति देश जो पूछा है कहाँ है? तंजानिया में है। इसके बाद में है माउंट कुक। क्या है? माउंट कुक। तो माउंट कुक कहाँ है, ये पर्वत शिखर कहाँ है। तो ये इस माउंट कुक जो पर्वत शिखर है ये कहाँ है? ये है न्यूजीलैंड में। कहाँ है? न्यूजीलैंड में। अब अपने पास में एक क्या रह गया? मैकनले। मैकनले कहाँ है? ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में, दक्षिणी। ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में, इसकी स्थिति है अलास्का में। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है ये आप लोगों से पूछे जाते हैं
और आपको इनके बारे में बताना है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वो क्लास थी, जिसको आप देखोगे तो आपको इन ये जो प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न हैं करने में काफी आसानी होगी। तो इसी के लिए ये मैंने आप लोगों को बताया है। इसी प्रकार का प्रश्न जो 2016 में आरएएस प्री में जो पूछा गया है उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि वही वही बात आएगी, पर्वत शिखर और महाद्वीप। इससे पहले 2018 में आया, वहां क्या लिखा, स्थिति और देश। तो ये जो प्रश्न है, इस प्रकार का जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये लगातार करीब करीब 18 में आया, फिर 16 में आया, और इसी प्रकार का फिर 13 में आपको प्रश्न मिलेगा। तब आपको यही बात आएगी, बस वही क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। और यही आपको सूची फर्स्ट जो दे रखी है वो पर्वत शिखर के नाम से है, कोसिस्को, मैक किन्नले, अलब्रुस और किलिमंजारो, ये पर्वत शिखर है। अब यहां क्या दिया, इससे पहले 2018 में आया तो वहां क्या पूछा था, स्थिति ऑब्लिक देश का नाम लिखा, जबकि यहां क्या लिख दिया, महाद्वीप, और चोटियां वो की वो है। तो ये चोटियां हैं, इस प्रकार से आपको चोटियां दे दिया जाएगा। लेकिन यहां कोसिस्को नाम दो आया है, क्या था, कोसिस्को नाम दे रखा है। अब ये कोसिस्को कहां की है, ये ऑस्ट्रेलिया की है, कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की है। अब देख, अभी मैकिनले जो पर्वत शिखर है ये कहाँ का है, तो अभी बात की थी ये उत्तरी अमेरिका का है। मैकिनले कहाँ की पर्वत से कहाँ का पर्वत शिखर है, उत्तरी अमेरिका का, क्योंकि ये अलास्का में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा, उत्तरी अमेरिका। महाद्वीप है यहाँ, नहीं तो वरना आता, अगर स्थिति आती तो संयुक्त राज्य अमेरिका के ठीक अलास्का में। इसके बाद में है एल्ब्रुस। एल्ब्रुस ये चोटी कहाँ की है, तो एल्ब्रुस कहाँ की है, अभी आपको पता ही था कहाँ की है, ये वैसे रूस की, तो यूरोप की, यूरोप महाद्वीप में है। अब अपने पास में क्या रह गया, किलिमंजारो, वैसे ही कहाँ की स्थिति और देश में, तंजानिया की है, लेकिन तंजानिया कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में। तो इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो आपको इस प्रकार का जो टॉपिक है उसको प्रायोरिटी के साथ में पढ़ना चाहिए, ताकि कम से कम 1% तो अपना सही हो जाए। एक एक करके ही अपने 100 पूरे होते हैं, इसलिए प्रत्येक प्रश्न पे आपका ध्यान रहना चाहिए। अब देखिए, आप इसी प्रकार का क्वेश्चन है, बदलाव क्या है, यहाँ बस कुछ, यहाँ देश का नाम लिखा और यहाँ उच्चतम पर्वत शिखर, और कुछ बदलाव नहीं है, वही पर्वत शिखर दिए गए हैं, वही स्थिति है कि कौन से देश में। तो यही हम बात बार बार कहना चाह रहे थे कि ये पर्वत शिखर से संबंधित कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको आरएएस प्री में मिलेगा, इसी आधार पर ये बात हम कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये बार बार में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और क्या है, वही है सूची एक को सूची दो से सुमेलित आपको करना है। अब यहाँ सूची एक में क्या दिया, उच्चतम पर्वत शिखर, वही बात है, और उसके बाद में क्या दे दिया, सूची दो देश, यानी कौन से देश में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है, बस ये आपको यहाँ मिलान करना है। तो आप देखो किलिमंजारो, अब किलिमंजारो कहाँ का स्थिति या देश की बात करें तो तंजानिया का, ये आपको पता है। इसके बाद में माउंट कुक, अब माउंट कुक कहाँ का, ये आपको पता है, न्यूजीलैंड का है, कहाँ का है, ये न्यूजीलैंड का है। माउंट कुक कहाँ का है, न्यूजीलैंड का पर्वत शिखर है। इसके बाद में है वही आएगा माउंट मैकिनले, तो ये कहाँ का है, माउंट मैकिनले कहाँ का है, तो ये आपको अभी अपने बारे में, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ये कहाँ का हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका का, बच गया अपने पास में एक, उसका नाम है एकांकगुआ। तो एकांकगुआ जो पर्वत शिखर है वो कहाँ का हो गया, अर्जेंटीना का। तो इस प्रकार से आप जितने भी हमने जो उसपे बात की थी कि भाई महाद्वीपों के जो उच्चतम पर्वतों को लेकर के जो आपको एक क्लास दी थी, बस उसी क्लास में करीब करीब सारे के सारे 3 प्रश्न हमने किए अपने किए हैं,
18 का, 16 का और 13 का उसमें से पूरा हो जाता है आसानी से। इसलिए यहां जो बात होगी सिर्फ वो परीक्षा की दृष्टि को रख करके हम आपको, क्योंकि समय कम है और ऐसी चीजें प्रोवाइड करवा दी जाए ताकि कम समय में आपका कहीं ना कहीं 1, 2, 3% जो है इससे संबंधित वो कम समय में आप उसको पूरा कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में दोबारा मुलाकात करते हैं।